रविवार को सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर बड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बता दें, शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने वाली आबकारी नीति बनवाने से लेकर सबूतों को नष्ट करने तक के आरोपों का सामना कर रहे हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से बीते 8 घंटे तक पूछताछ चली, जिसके बाद उन्हें आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता की गिरफ्तारी से न सिर्फ पार्टी को बल्कि दिल्ली सरकार को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद कई सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल ये कि सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अब दिल्ली का बजट कौन पेश करेगा। सिर्फ यही नहीं, मुख्यमंत्री की तो चिंता ये भी है कि डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी के बाद सरकार के कामकाज को प्रभावित होने से कैसे बचाया जाए। दरअसल दिल्ली के सीएम भले ही केजरीवाल हो, लेकिन कामकाज और जिम्मेदारियों के लिहाज से देखा जाए तो सरकार का मतलब हमेशा से सिसोदिया ही रहे हैं। वो शिक्षा, वित्त समेत करीब 1.5 दर्जन विभागों का कामकाज संभाल रहे थे। आपके स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के पिछले साल मई में जेल चले जाने के बाद से स्वास्थ्य मंत्रालय भी उन्हीं के पास ही है। सिर्फ यही नहीं, दिल्ली के 0.5 दर्जन मंत्रियों में सबसे ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय भी उनके पास ही है। उससे कई बड़ी जिम्मेदारियां सिसोदिया अकेले ही संभाल लेते हैं। दिल्ली सरकार के आधिकारिक जानकारी की माने तो सिसोदिया के पास शिक्षा, वित्त योजना, भूमि और भवन, जागरूकता, सेवाएं, पर्यटन, कला संस्कृति और भाषा, श्रम रोजगार, पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य, उद्योग, बिजली, घर, शहरी विकास, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण और जल विभाग भी है। इसके अलावा सिसोदिया उन सभी विभागों का भी कामकाज देखते हैं जिनको किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किया गया है। लिहाजा ऐसे में सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए मुश्किलें काफी बढ़ गई है। सरकार के कामकाज प्रभावित होने के आसार नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर सत्येंद्र जैन की तरह सिसोदिया को ज्यादा अधिक समय तक जेल में रहना पड़ा तो केजरीवाल को दूसरे विकल्पों की तलाश करनी होगी। केजरीवाल के राइट हैंड कहे जाने वाले सिसोदिया की गैर मौजूदगी का असर पार्टी पर भी पड़ना तय माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो सिसोदिया की गिरफ्तारी आपके लिए सबसे बड़ा संकट है। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के गर्भ से जन्मी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता के करप्शन केस में जेल जाने से पार्टी की छवि पर बहुत बुरा असर हो सकता है। हालांकि केजरीवाल और पार्टी के दूसरे नेता इस गिरफ्तारी को राजनीतिक केस बताकर लगातार बचाव करने में जुटे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।